छात्र हित की मांगों को लेकर एबीवीपी शिमला विश्वविद्यालय इकाई 16 सितंबर तक आंदोलन करने जा रही है। एबीवीपी ने कहा कि वैश्विक महामारी के समय में शिक्षण संस्थानों में महामारी के समय में फीसें बढ़ाई जा रही हैं। परीक्षा परिणाम में भी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन इन सभी मुद्दों पर छात्रों की समस्याओं का समाधान करने में नाकामयाब रहा है। एबीवीपी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी विभागों से कोरोना महामारी के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली जाए और हॉस्टल कॉन्टिन्यूटी की फीस को इस सत्र के लिए माफ किया जाए। एबीवीपी शिमला विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष विशाल वर्मा ने कहा कि एबीवीपी ने छात्रों के मुद्दों को लेकर आंदोलन करने की रणनीति बनाई और सरकार से मांग की है कि प्रदेश विश्वविद्यालय के सत्र 2020-21 की प्रवेश प्रक्रिया में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को सम्मिलित कर दाखिले दिए जाएं। पीजी परीक्षाओं में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के अनुसार ही परीक्षाएं करवाई जाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ऑनलाइन प्रणाली सुदृढ़ की जाए। प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं गैर शिक्षक पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो एबीवीपी प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। हम सभी जानते हैं कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना भी जारी की जाती है कि कोरोना महामारी के समय सभी शिक्षण संस्थान छात्रों से मात्र ट्यूशन फीस ही ले। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एक सरकारी शिक्षण संस्थान होने के बावजूद सरकार की उन सभी गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए अभी यूआईटी और यूएलएस के छात्रों से सभी प्रकार के फंड वसूल रहा है, जिनका कोरोना महामारी के दौरान उन फंड का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया। चाहे वो बात की जाए कल्चरल फंड की, स्पोर्ट्स फंड की, वाईफाई का फंड, बिजली का बिल या और भी कई प्रकार के फंड जो विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों से वसूल रहा है। विद्यार्थी परिषद का मानना है कि इस कोरोना महामारी के समय में जहां हमारा प्रदेश और देश एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं हमारे प्रदेश विश्वविद्यालय जिस तरह छात्रों का आर्थिक शोषण कर रहा है वो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। पिछले वर्ष का ईडब्ल्यूएस का रोस्टर छात्रों के लिए लागू हो चुका है, लेकिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर अगर छात्रों की बात की जाए प्रवेश प्रक्रिया में अभी तक भी ईडब्ल्यूएस की सुविधा छात्रों को एडमिशन में नहीं मिली है। कि हॉस्टल कंटिन्यूटी फीस भी हमारी पिछले सेशन जो पूरी तरह बंद रहा, स्टूडेंट अपने घरों में रहा, तो अभी जो आने वाला सेशन है उस सेशन में छात्रों से कोई भी हॉस्टल कंटिन्यूटी फीस ना ली जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद का आंदोलन 31 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद भी यदि प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानता है तो 16 सितंबर को शव यात्रा हिमाचल प्रदेश कैंपस के अंदर इस प्रशासन की हम निकालेंगे। पीएलटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।